बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम। यू बच्चों, मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस 4C कंप्लीट करवाया था, तो आज बच्चों हम करेंगे 4C से आगे जो है सेल्फ प्रैक्टिस 4D को कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले जो भी कॉन्सेप्ट है ना, वो सभी कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उनके बेसिस पे जो एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल भी मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या सीखना हमें, सब्ट्रैक्टिंग अक्रॉस जीरो, मतलब जीरो में कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये चीजें आज हमें सीखना है। और इन्हीं के बेसिस पे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी आपको करने है। ओके, सो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट 110 एंड जो 1 फ्रॉम दैट। तो आपको क्या करना है, एक एक करके यानी 1 by 1 करके हमें क्या करना है, इसमें से 1000 में से सब्ट्रैक्ट करना है। डू द ग्रुपिंग एज शो इन द बिलो। देखो पहले आपको क्या करना है, टेबल बना लेना, जो मैंने आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आपको अगर आप टेबल बना के ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बहुत इजी से आप कर पाएंगे, आपकी मिस्टेक बहुत कम होगा। ओके, इस तरीके से जो 1, 10, 100, 1000, अगर इससे ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 इस तरीके से आप बनाएंगे, है ना। देखो आपको हेल्प के लिए कह रहा है कि थिंक, यानी आप पहले सोचो कुछ इस तरीके से, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो देखो आपको 1000 में से 100 लेस करोगे तो पता है आपको ये 900 है, डायरेक्ट आप कर दोगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 1000 में से 100 लेस किया तो क्या हो गया, 900 आ गया। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमने देख लिया कि 1000 में से अगर आप 100 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 900 होगा। अब आप देखो कि 1000 में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो क्या होगा, 990 आ जाएगा। ठीक है, अगर 1000 में से 1 माइनस करोगे तो क्या होगा, 999 आ जाएगा। तो देखो आपको अलग अलग तरीके से, आपको तीनों तरीके से दिखाया गया है कि पहले आप सोचो तो कुछ इस तरीके से माइंड में सोचो, अगर टेबल के फॉर्म में बनाएंगे तो आप इस तरीके से बनो, और वैसे अगर रफली प्रैक्टिस करते तो कुछ इस तरीके से कर लो, है ना। अलग अलग देखो पार्ट बाय पार्ट, पहले 100 को करके दिखाया है। ऐसे आपको बच्चे आपके ऐसे क्वेश्चन जो है ना, आपके ऐसे क्यूरियोसिटीज आपके माइंड में डेवलप होनी चाहिए कि ऐसे करेंगे तो ये चीजें आ जाएगा, है ना। अब देखो 1000 में से 10 माइनस किया तो आपको पता है कितना आ जाएगा, यहाँ पे 990 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो वैसे यहाँ पे लिख करके दिखाया, मतलब ऐसे कह रहा है कि आप सोचो, थिंक करो, और या फिर आप टेबल में बनाना है तो कुछ इस तरीके से आप बना दो। तो फाइनली आपको ये समझ आया। अब देखो 1000 में से अगर 1 माइनस करोगे तो क्या होगा, 999 आ जाएगा। तो एक फील आया कि आपको सोचना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करना है, एग्जाम में कैसे करना है। तो एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो आप ये फॉर्मेट यूज करेंगे। ये सारे फॉर्मेट आप पेपर में या फिर आपके यूटी होते हैं या आपके क्लास टेस्ट होते हैं तो आप ये वाला फॉर्मेट यूज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपकी मिस्टेक जो है ना बहुत कम होगा, है ना। ये और ये है सोचने का, ये है प्रैक्टिस करने का मेथड, तो जो आपको इजी लगे आप कर लीजिएगा, ठीक है। चल 1000 में अगर आप 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे वैसे करके दिखा दिया है 999 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते 999। तो ये कैसे होता है बच्चों, देखो इसके पास जीरो में से तो 1 लेस होता नहीं, फिर इससे कैरी लेंगे बट इसके पास भी नहीं है, तो इसमें से कैरी लेंगे इसके पास भी नहीं, इसमें से कैरी लेंगे तो इसमें से कैरी लेंगे इसमें, इसमें से कैरी आएगा इसमें, इसमें से कैरी आएगा इसमें, तो ये बन जाएगा 10 में से बन जाएगा तो 9, अब ये बच गया 9 और ये बच गया 9, क्योंकि ये तो आ चुके हैं, तो इसीलिए 999 होता है, राइट। चलो तो आपके जो फाइनली जो है आपको इस तरीके से बच्चों बनाने हैं, और आपके जब आप नोटबुक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आप टेबल बना के करो, है ना, और ये तो आपको सोचने की वे है, ठीक है। अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या रहा है, सब्ट्रैक्ट 276 फ्रॉम 500। तो 500 में से क्या करना है आपको, 276 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि फ्रॉम है, कई बच्चे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये गलत है बच्चों। आपको क्या कह रहा है कि 500 में से 276 को लेस करना है, तो पहले वैल्यू ये लिखेंगे उसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। आप ये रफ में कर लीजिए, उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे टेबल बना लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो जीरो में से 6 तो लेस होता नहीं है ना, तो इसमें से कैरी लेंगे बट इसके पास भी नहीं है, तो आप इससे लेंगे, इसमें से कैरी इसको देंगे, इससे कैरी इसको देंगे, तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, अब ये बच गया 9, तो 9 में से 7 जाएगा तो ये 2 बच गया, और ये बच गया 4, 4 में से 2 जाएगा 2, तो 224 आया। अब यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, या नॉर्मल तरीके से अगर आप करते हैं ना तो पर भी आपको यही रिजल्ट आएगा।
बट इस फॉर्म में क्या होता है, कई बार कई बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, बट इसमें जो है ना मिस्टेक की बहुत कम चांस होता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप टेबल बना करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक। अच्छा अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, सब्ट्रैक्ट 978 फ्रॉम 4002, तो 4002 में से क्या करना है आपको, ये को इसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्यों, क्योंकि फ्रॉम है, तो आप चाहो तो यहाँ पे रफ में देख सकते हैं कि 4002 में से क्या करना है, 978 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3024 आ जाएगा। कैसे, आप देखो 2 में से तो 8 जाएगा नहीं बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा, बट इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं, तो यहां से कैरी इसको देगा, ये कैरी इसको देगा, ये कैरी इसको देगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 12, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 आ गया, ठीक है। अब ये बच गया 9, 9 में से 7 जाएगा 2, और ये बच गया 9, 9 में से 9 जाएगा 0, और ये इसमें से 1 चला गया था तो 3 बच गया, तो 3 लिख देंगे। सिमिलरली आपने यहां लिखा, या फिर आप इस तरीके से डायरेक्ट लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी लिख सकते। ओवर इन ऑल बच्चे आपको समझ आ जाना चाहिए, बाकी आप किसी भी तरीके से आप थिंक करके आंसर लिख सकते हो, राइट करके आंसर लिख सकते हो, टेबल बना करके आप आंसर लिख सकते हो, जो लिखना चाहे आप वो आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं क्या है, हम इसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों आपको क्विक असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, जीरोज को कैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक। चलो तब इसके बेसिस पे जो क्विक असाइनमेंट्स है इनको देख लेते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, जीरो और ये क्या है, नाइन है, तो जीरो में से तो नाइन लेस होता नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से कैरी लेंगे, बट इसके पास भी नहीं है तो इसमें से लेंगे, तो ये कैरी इसको देगा और ये कैरी इसको देगा, ठीक, तो ये बन जाएगा 10, तो 10 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब ये बच गया 9, तो 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। अब ये बच गया 6, तो 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 3, तो जो फाइनली हमारा आंसर आया वो क्या आया, 331 आया, क्लियर आया, ओके। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो 4 डिजिट का नंबर दे रखा है, तो 0 में से 1 तो लेस होगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो, बट इसके पास भी नहीं है, तो सेम प्रोसेस आप यहाँ आएंगे, तो यहाँ इससे इसको देंगे, फिर इससे इसको देंगे, राइट, तो ये बन जाएगा 10, तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बच जाएगा 9, ठीक, अब ये बच गया 8, 8 क्या होगा, 0, और ये क्या हो गया, 4, तो यानी आपका 4099 आ जाएगा, यानी 8900 में से 4801 अगर आप लेस करेंगे तो 4099 आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। अच्छा अब आप देखिए सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, तो सी पार्ट की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पे देखो 8001 में से 5285 को लेस करना है, तो देखो 1 में से तो 5 लेस होगा नहीं बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको कैरी लोगे, तो ये कैरी लोगे तो क्या हो गया, 11 हो जाएगा, तो 11 में से 5 जाएगा तो क्या हो गया, 6, अब ये बच गया 9, तो 9 में से 8 जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, अब बच गया 9, 9 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बच गया 7, तो 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, राइट, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 2716, ठीक है। अच्छा अब क्या रहा है आपके पास, 5030, राइट, तो 5030 में क्या करना है आपको, 3148 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो देखो 0 में से तो 8 जाएगा नहीं बच्चों, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, कैरी लेंगे, तो इसमें से कैरी लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10, तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या हो गया, 2, ठीक है, लिख दिया हमने। अब ये बच गया 2, तो 2 में से 4 लेस होगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो, तो ये बन जाएगा 12, तो 12 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब ये बच गया 9, तो 9 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 8, अब ये बच गया 4, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 1, तो यानी 1828 जो है ये आपके आंसर आएंगे। तो आई होप ये क्विक असाइनमेंट आपको समझ में आया, और जीरो को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भी आपको फील अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।